मेरा नाम कोमल सिंह मीना है। मैं शिवसेना गोंदपुरा विधानसभा से प्रत्याशी हूं। आज मेरा जो जनसंपर्क जो मैंने किया है, वार्ड 64 के आलमनगर में हूं और आलमनगर के सभी रहवासियों से मैंने यहां मुलाकात की और उनकी एक एक समस्याएं सुनी। और उनकी यहां सबसे बड़ी समस्या जो आ रही है कि यहाँ पर जो है सीवेज लाइन जो है गटर में से यहाँ पानी बह रहा है, लाइन पूरी चौक पड़ी हुई है, यहाँ उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। लाइटें सिर्फ केवल दिखावे के लिए लगाई गई है सरकार द्वारा, ना तो वो यहाँ लाइट जलती है और ना ही यहाँ पर के लोगों को कोई सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। यहाँ जो सुविधाएं के नाम पे केवल सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है और यहाँ पर की जनता जो पूरी मेरे तरीके से पूरे मेरे साथ में है, यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा समर्थन मिला है, मुझे सभी का आशीर्वाद मिला और सभी ने मुझसे ये बात कही है कि अब की बार जो है सिर्फ शिवसेना यहाँ से उनको शिवसेना को ही यहाँ से जिताएंगे और विजय वहाँ बनाएंगे। क्या मुद्दे लेके आए हैं अभी जनता के बीच में? जनता के बीच में मैं यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो है बेरोजगारी का, स्वास्थ्य का, स्वास्थ्य से भी रिलेटेड यहाँ पर आज जो दिख रही समस्याएं आ रही हैं, इनकी मांग है यहाँ पर कि यहाँ कोई सरकारी हॉस्पिटल नहीं है बड़ा, उनको सुविधाएं, जब बुजुर्ग लोग कभी अचानक कोई स्वास्थ्य खराब हो जाता तो उन्हें 1250 या हमीदे की ओर रुख करना पड़ता है। तो उनकी इनका कहना है सभी जनता का यहाँ पर कि भैया आप यहाँ पर भी अगर विधायक बनते तो आपको यहाँ हॉस्पिटल बनाना पड़ेगा और यह सारी समस्याओं से करना पड़ेगा। यहाँ बेरोजगारी बहुत ज़्यादा, युवा वर्ग बहुत ज़्यादा परेशान है।